हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड एनालिसिस में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखिएगा, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो शेयर आज जिस तरीके से सुबह खुला और एकाएक जो है उसके अंदर सेलिंग प्रेशर जो है सुबह से ही शुरू हो गया। और मैं आपको ये बताऊं कि जब वो सुबह जब शेयर खुला तो कोई भी जो है तेजी नजर नहीं आई थी शेयर के अंदर, और करीबन एक डेढ़ घंटे के अंदर ही जो है शेयर जो है नेगेटिव बायस के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। और शेयर मार्केट के अंदर जो आज शेयर था उसने 113.50 रुपये के जो है लो लगाए, और उसके जस्ट बाद वो थोड़ी देर बाद 114 के आसपास जो है ट्रेड करता नजर आया। और करीबन 11:10 तक और 11:05-10 तक वो जो शेयर्स उसी टेरिटरी में जो है ट्रेड करता रहा। एकाएक जो है 115-116 रुपए के आसपास जो है एकदम शेयर जाता है एकाएक, और 116.40 रुपए जहां पर वो आज शेयर ओपन हुआ था 116.40 उसको तोड़ नहीं पाता और फिर नीचे आ जाता। थोड़ी देर के बाद वो शेयर्स करीबन 11:30 बजे के आसपास जो है शेयर्स उस प्राइसेस को तोड़ता है और ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है। वहां पर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जो है शेयर 120 रुपए के प्राइसेस भी तोड़ता है। और वहां पर जो बाइंग थी वो बड़े ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है बाइंग हो रही थी, और जब वो जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जो बाइंग हो रही थी तो उस बाइंग के अंदर एक सबसे खास बात जो देखने के लिए आई कि जो बाइंग थी बड़े वॉल्यूम के साथ हो रही थी। और सीधी सी बात है कि जो जिन लोगों ने सुबह शॉर्ट मारे थे उन सबको कवर करने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर दिन के अंदर 2:30 बजे के आसपास 2:30 से लेके और 2:45 तक लगभग शेयर 118.30 रुपीज के आसपास जो है ट्रेड करता रहा। काफी देर उसने कंसोलिडेट किया, तो यहां पर ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से वॉल्यूम बढ़े हुए हैं, जिस तरीके से ट्रेड बना हुआ है और बाकी जो पूरे स्मॉलर मिड कैप के अंदर जो तेजी बनी हुई है उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर भी जो है इस हफ्ते के अंदर चलने वाला है। अगर आप इसके पूरे एक साल के चार्ट को देखेंगे तो इसके जो लाइफ टाइम सॉरी वन ईयर के जो हाई है 147.80 रुपीज है, लेकिन मुझे यहां पर लगता है कि ये जो इसने हाई बनाए थे ये May 24 के आसपास यहां पर जब इसने कंसोलिडेट किया था तो यहां पर शेयर जो है हमारे को लग रहा है कि 124 रुपए के आसपास के प्राइस थे 27 मई 2019 को 124.20 रुपए के जो है हाई लगाए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हाई है ये शायद कल या परसों के अंदर ये जो प्राइजेस हैं देखने के लिए मिलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइजेस जो है शायद रेन इंडस्ट्री बड़े इजिली जो है तोड़ने की ताकत जो है यहाँ पे रखता है। बाकी अगर सारे टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल्स काफी मजबूत लग रहे हैं, और जिस तरीके के वॉल्यूम बढ़े हुए हैं यहाँ पर भी जो शेयर मार्केट के अंदर, तो आप देखते हैं कि आज भी जो है वॉल्यूम जो है काफी अच्छा था, तो 2 मिलियन से ज्यादा जो शेयर्स मार्केट के अंदर ट्रेड हुए हैं आज एनएससी के ऊपर। तो मुझे अब फिलहाल ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है एक नई छलांग की तरफ जो है बढ़ रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश इंडिकेट कर रही हैं और एमएससीडी जो है बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, बाकी जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो भी सब बुलिश जो है ट्रेंड दिखा रहे हैं, और सभी तरीके की जो मूविंग एवरेज है 5, 10, 20, 50, 100 और 200 के जो मूविंग एवरेजेस हैं उन सब के ऊपर जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। और फंडामेंटल जैसे कि मैं आपके साथ बात करता हूं कि काफी मजबूत है ही, तो यहां पर जो है ये तेजी जो है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शेयर को 133 रुपीज तक जो है लेके जा सकती है, और 124 रुपीज के जो शेयर प्राइसेस हैं वो जो है शायद एक या दो दिन के अंदर फ्राइडे से पहले हो सकता है कल भी ये जो प्राइसेस हैं टूट जाएं और ऊपर की तरफ एक रैली जो है नजर आए। और 133 रुपीज तक के जो प्राइस है मुझे लगता है 8 से 10 दिनों के अंदर यानी कि 8 से 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर बड़े इजीली जो हमें मिल सकते हैं। और प्री बजट जैसे मैंने आपके साथ बात भी की थी वीडियो के अंदर तो मुझे 140 रुपए तक के जो प्राइस दिखते हैं, और जो डिलीवरी वॉल्यूम्स था एनएससी के ऊपर वो भी करीबन 28% के आसपास जो है बना हुआ था, तो इतने बड़े वॉल्यूम के साथ 28% का जो डिलीवरी वॉल्यूम था वो भी मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है। और यहां पर बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो अगर आप पूरे ट्रेंड को देखेंगे तो वहां पर जो बायर्स ने जिन्होंने जो है प्राइस के ऊपर जो माल उठाया और जिस तरीके से एकदम एकाएक जो है बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर बड़ी बाइंग थी और वो जो है कंसोलिडेट किया शेयर ने, हो सकता है कि कल भी कंसोलिडेट करे और फ्राइडे तक या कल ही मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।